हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वक्त बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में, बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। ऑलराइट, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। तो आज इस वाले पॉडकास्ट के ऊपर भी हो तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। एक सिंपल भाषा में बोले ना तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पुश्तैन दादा दादी से मिली है या फिर आपके पापा से मिली है उसके डेथ के बाद, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो आपको मिली है, आपको कहीं से गिफ्ट भी मिल सकती है तो इसे भी बोलते हैं, या फिर आपको जो दादा से मिली है या फिर आपके पिताजी से मिले हैं उससे भी बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कि आपकी चेन चल रही है कि आपकी जो दादा है, दादा के दादा ने उसको दी थी तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, तो उससे भी बोलते हैं एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlaxbamania.com/gift, तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। तो इसका क्या है कि जब भी आप इस वाली प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आपको उस प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा है उस वैल्यू के हिसाब से। तो आपकी जो थ्रेशहोल्ड है, जो आपकी इनकम की थ्रेशहोल्ड 3 से 6 लाख के बीच में है, 6 से 9 लाख के बीच में है, 9 से 12 के बीच में है, या फिर 12 से 15 लाख के बीच में है, या फिर 15 से 30 या फिर करोड़ में हो, तो आपको आपकी जो थ्रेशहोल्ड है उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी को अगर आप गिफ्ट मिले हैं तो सेल किए हैं तो उसमें आपको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को किसी को भी सेल कर सकते हो। तो इसे इजी एंड सिंपल वे में रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन नॉलेज सीखने के लिए इस वाले पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।